और वही है जो रात को नींद में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है, और वो जानता है जो तुम दिन के वक्त कमाई करते हो, फिर वो तुम्हें उस दिन में उठाता है ताकि वक्त मुकर्रर पूरा किया जाए, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो अमल तुम किया करते थे, और वो अपने बंदों पर गालिब है और वही तुम पर निगहबान फरिश्ते भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी एक को मौत आती है तो हमारे भेजे हुए उसे फौत करते हैं और वो कोई कोताही नहीं करते, फिर वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं जो उनका हकीकी मौला है, खबरदार उसी के लिए फैसला करने का इख्तियार है और वो सबसे ज्यादा जल्द हिसाब लेने वाला है। इन आयात में आप देख रहे हैं कि अल्लाह सुभानहु ताला ने पहले हर इंसान के सोने और जागने का जिक्र किया है, फिर मरने और फिर मरकर जीने का जिक्र है। तो हर रोज हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को आकर ये बताया कि तुम मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे तो उन्हें यकीन न आया। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मरने के बाद हम फिर उठाए जाएं? बस मर गए तो खत्म हो गए। मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया, जिंदगी तो बस दुनिया की जिंदगी है, हम जीते हैं, हम मरते हैं, बस खत्म हो जाते हैं। तो उन लोगों का आखिरत पर यकीन नहीं था, तो उनको समझाया गया किस चीज से? हर रोज के सोने और जागने के अमल से, कि किस तरह इंसान हर रोज रात को सो जाता है, अल्लाह ताला उसकी एक रूह कब्ज करते हैं, फिर वो सुबह जाग उठता है। तो ऐसे ही होगा कि मौत के बाद इंसान सो जाएगा और फिर क़यामत के दिन दोबारा उठेगा। जैसे रोजाना सोने के बाद उठना कुछ मुश्किल काम नहीं, तो अल्लाह सुबहानु ताला के लिए मौत के बाद किसी को जिंदा करना, दोबारा जगाना, उठाना कुछ मुश्किल काम नहीं, और ये काम अल्लाह सुबहानु ताला के लिए बहुत आसान है। अल्लाह सुबहानु ताला रोजाना इसी तरह इंसानों के साथ तसर्रुफ करते हैं ताकि वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी कर लें, यानी जितनी जिंदगी उनकी लिखी हुई है इस दुनिया में जितना उनको रहना है उतना वो रह जाएं, और फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है, उनका वक्त खत्म हो जाता है, तो फरिश्ते आकर उनकी रूह कब्ज कर लेते हैं, और फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म मानने में कुछ भी देर नहीं करते, जरा लम्हे के लिए भी कोताही नहीं करते, और जिस वक्त जिसकी मौत लिखी होती है उस वक्त उसको दुनिया से ले जाते हैं, और फिर अल्लाह सुभान व तआला ही की तरफ सबकी वापसी है। इसीलिए जब कोई फौत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम भी अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं, हम भी लौट के जाने वाले हैं, हम भी पलटने वाले हैं, जहां से आए हैं वही वापस जाएंगे, और ये वापसी यकीनी है। तो यहाँ पर जो आयत में लफ्ज आया है, वहुवल्लज़ी यतवफ्फाकुम बिल्लैल, वो जो तुम्हें रात के वक्त फौत कर देता है, तवफ्फी का मतलब होता है किसी चीज को पूरा ले लेना, तो हकीकत में इसका इतलाक मौत पर होता है, लेकिन मजाजी मानों में नींद के लिए भी, क्योंकि नींद जो है वो मौत की बहन है, नींद मौत से मिलती जुलती चीज है। तो अल्लाह सुबहानु ताला रात को नींद की हालत में तुम्हारी जानों को ले लेता है, यानी इंसान के अंदर से एक रूह निकल जाती है। इसीलिए आप देखें कि बाज़ोकात जो ख्वाब हम देखते हैं उसमें हम किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, मरे हुए इंसानों से मुलाकात कर रहे होते हैं, बाज़ोकात कोई हमें मैसेज दे रहा होता है जो मर चुका होता है। आज ही सुबह एक खातून ने मुझे मैसेज किया कि मेरे दामाद की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और वो चार दफा मुझे ख्वाब में आके एक ही बात कहता है, और जब वो बात कह देता है तो उसके बाद यका या खौफ से मेरी आंख खुल जाती है। तो आप बताएं कि इसका हम करें क्या? तो मैंने कहा कि पहले आप मुझे ये बताएं वो क्या कहता है। कहते वो कहता है कि आप मेरी अम्मी से जाके कहें कि मेरे साथ ऐसा सलूक ना करें, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, और वो मेरे साथ ऐसे नहीं करें। अब कैसे नहीं करें? तो मैंने कहा कि इससे तो यही इशारा मिलता है कि माँ किसी बात पर उससे खफा थी जब वो फौत हुआ है, नाराज थी, और शायद उस नाराजगी का कुछ असर अभी तक दिल में बाकी है। तो जाहिर है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और उसकी माँ उससे नाराज है तो फिर खैर नहीं, फिर कुछ ना कुछ आगे उसकी पकड़ है, कितनी हो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा दुनिया में इंसानों के साथ हमें अपने मामलात साफ कर लेने चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारी मौत कब आ जाएगी, हम कब दुनिया से चले जाएंगे, और इस बात से तो बहुत डरना चाहिए कि हमारी वजह से हमारी माँ रोए,
हमारे किसी सलूक पर, हमारे किसी रवैये पर, हमारे किसी तरीके पर, हमारी किसी आदत पर, तो माँ को रुलाना नहीं चाहिए। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं आपके साथ हिजरत और जिहाद करना चाहता हूँ। आपने पूछा तुमने अपने माँ बाप को किस हाल में छोड़ा, तो वो बोला कि वो रो रहे थे, क्योंकि मैं एक ही था उनकी खिदमत करने के लिए, तो वो रो रहे थे। आपने फरमाया तुम वापस जाओ, फफीहिमा फजाहिद, उन्हीं में जाके जिहाद करो, उन्हें उनकी खिदमत करो, और जिस तरह तुम उन्हें रुला के आए हो ऐसे ही जाकर तुम उन्हें हंसाओ। तो हम में से हर एक का ये फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे और माँ बाप को खुश रखे। अगर किसी बात पर माँ बाप के साथ इख्तलाफ भी हो तो भी उस इख्तलाफ को जल्द खत्म कर लेना चाहिए। बाज़ुकात माँ बाप ऐसी बातें कहते हैं जो हमें पसंद नहीं होती, या ऐसी बात कहते हैं जो हमारे लिए माननी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी उसमें आपस में बातचीत करके कोई ना कोई उसका हल, कोई ना कोई उसका रास्ता जरूर निकालना चाहिए। और इस हाल में मौत हरगिज नहीं आनी चाहिए कि माँ बाप नाराज हों, वो दोनों या कोई एक। और अगर हमने नादानी में ऐसा कुछ कर लिया है, हमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसे काम किए कि जिससे वो खुश नहीं थे और वो दुनिया से जा चुके हैं, तो उनके पीछे उनके लिए खूब खूब दुआएं करें, उनकी बख्शिश की दुआएं करें, उनकी तरफ से सदका खैरात करें, उनके रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करें, क्योंकि वालिदैन के मरने के बाद जो उनसे हुस्न सलूक होता है उसका एक हिस्सा ये है कि जिंदगी में वो जिन लोगों से मोहब्बत करते थे, जिन लोगों का वो ख्याल रखते थे, उनका ख्याल रखा जाए, यानी उनसे मोहब्बत की जाए, उनको पूछा जाए। बाज़ुकात वो अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को जो माली लिहाज से कमजोर है, उनकी कुछ माल से मदद करते थे, और अगर अल्लाह हमें तौफीक दे तो अपने वालदैन के उन रिश्तेदारों की माली मदद जारी रखनी चाहिए। इसी तरह अगर वो किसी खास मौके पर कोई सदका खैरात करते थे तो वो सदका खैरात उनकी तरफ से जारी रहना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं। फिर हमारे बाद हमारी औलाद तो जो भी करेगी, लेकिन हम अपने वालदैन की लेगेसी को आगे लेके बढ़ने वाले हों। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के एक बेटे थे अब्दुल्ला बिन उमर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मामले में बहुत इत्तेबा किया करते थे, बहुत पैरवी करते थे। तो एक बार वो हज पे जा रहे थे, उनका तरीका ये था कि जब हज पे जाते थे तो ऊंट के साथ साथ अपना गधा भी रखते थे। आपको मालूम है कि ऊंट की सवारी थका देने वाली होती है, और जब वो ऊंट पर बैठे बैठे थक जाते थे तो फिर गधे को सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। और रास्ते में चूंकि मट्टी गर्द बहुत होती थी तो वो अपने सर पे पगड़ी पहनते थे। अब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक बद्दू मिला, तो उससे मुलाकात की, तो पता चला कि ये हजरत उमर के दोस्त का बेटा है। तो उन्होंने अपना गधा भी और अपनी पगड़ी दोनों उनको दे दी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ ही कहने लगे कि आपने तो दोनों चीजें उसके हवाले कर दी, आपका सफर कैसे गुजरेगा? तो कहने लगे कि ये मेरे वालिद उमर के दोस्त का बेटा था, तो मुझे ख्याल आया कि मैं इसके साथ हुस्न सलूक करूं, क्योंकि इसका बाप मेरे बाप का दोस्त था। तो हमारा दीन कहाँ तक हमें खैरखाही और ख्याल रखने और रिश्तों को निभाने और ताल्लुकात को निभाने का हुक्म देता है। और ये सहाबाए कराम थे जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, अपने लिए कम ही कुछ बचा के रखते थे, देने वाले थे। और अरबों के दिल तो वैसे भी बड़े वसी होते हैं, और एक कुदरती भी उनके अंदर देने का मिजाज पाया जाता है, लेकिन इस्लाम ने आकर उस देने के मिजाज को और खूबसूरत बना दिया और अल्लाह की खातिर करने वाला बना दिया, जिसका फिर अजर ही अजर है। तो बात मैं ये कर रही थी कि बाज़ औक़ात नींद के वक्त इंसान ख्वाब में ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है, हालांकि फिजिकली वो बिस्तर पर होता है, तो वो दरअसल उसकी रूह होती है और वो रूह रूह से मुलाकात कर सकती है, यानी घूम फिर के, और पिछले फौतशुदा लोगों से या जिंदा लोगों से या कुछ भी। तो ये अल्लाह ताला का एक ऐसा निजाम है, अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा मंजर है जिसे हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। और इससे पता चलता है कि अल्लाह सुभान व तआला वो काम करता है जो बंदे नहीं कर सकते, यानी अल्लाह ताला अगर रूह ले जाए और वापस ना करे तो कोई बंदा उस रूह को डाल नहीं सकता। और अगर अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहे तो कोई किसी को मार नहीं सकता, वो उसकी हिफाजत के लिए कोई भी रास्ता निकाल देगा। लिहाजा हमारी जिंदगियों में बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बाद एक सवालिया निशान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बात यह है कि ये तकदीर का एक हिस्सा था, अल्लाह का फैसला था जो पूरा हो गया। इसके पीछे क्या हिकमत थी,
क्या बेहतरी थी, बाज़ुकात हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह सुभानहु ताला हर चीज का इल्म रखता है। قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ हर चीज का इहाता कर रखा है। माजी, हाल, मुस्तकबिल सब जानता है। किस इंसान के फायदे में क्या चीज है और नुकसान में क्या चीज है, किसकी मौत जल्दी आनी चाहिए और किसकी मौत ताखीर से होनी चाहिए, इसका इल्म अल्लाह ताला को ज्यादा है। लिहाजा कभी भी इंसान को अल्लाह के फैसलों पर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के फैसलों को खुश दिली से कबूल करना चाहिए कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही रिस्क देता है, वही इम्तिहान लेता है, सब कुछ उसी के कब्जे कुदरत में है। फिर इस आयत में फरमाया, वयालमु मा जरहतुम बिन नहार, और वो जानता है जो तुम दिन में मुख्तलिफ काम करते रहते हो। जरह का लफ्जी मतलब होता है जिंदा चीज की जिल्द, स्किन जो होती है, और चमड़े को किसी तेज धार चीज के साथ फाड़ देना, जैसे छुरी, तलवार, नाखून, कुचली वाले दांत, इनके जरिए स्किन को काटना जरह कहलाता है। इसीलिए जख्म के लिए लफ्ज जरह इस्तेमाल होता है और जख्मी को मजरूह कहते हैं। उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, मजरूह। तो यहाँ मुराद इससे मा जरहतुम का मतलब ये नहीं कि जो तुम चीरते फाड़ते हो, बल्कि मतलब ये है कि जो काम तुम अपने हाथ से या जबान से करते जाते, यानी बाज़ औक़ात इंसान के हाथ भी दूसरों को तकलीफ देते हैं और बाज़ औक़ात जबान तो मजरूह जख्मी कर ही देती है दूसरों को। यानी जिस किस्म के भी तुम काम करते हो वो सारे अल्लाह के इल्म में है। तुम यबअथुकुम फीहि लियुक़्दा अजलुम मुसम्मा, फिर वो तुम्हें नींद की हालत में फौत करने के बाद दिन में उस नींद से जगा देता है ताकि हर शख्स अपनी वो उम्र पूरी कर ले जो अल्लाह के इल्म में उसके लिए मुकर्रर की गई है, इस दुनिया में उसके लिए मुकद्दर की गई है। तो अल्लाह सुभान व तआला ने इंसानों की तकदीर जमीन आसमान की पैदाइश से भी 50,000 साल पहले लिखी। ये उसका इल्म था कि वो क्या पैदा करने वाला है, उसको पहले से पता था, और वो पैदा होने के बाद क्या करेगा, यानी कौन सी चीज कैसी होगी, ये भी उसके इल्म में था। एक पत्ता भी गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म में होता है। तो बाज़ औक़ात मैं जब किसी दरख्त को देखती हूँ तो हैरान 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 हो जाती हूँ कि इसके पत्तों का हम इहाता नहीं कर सकते सिर्फ एक दरख्त के, यानी कुछ दरख्त इतने घने होते हैं जैसे बेरी का दरख्त है या और भी कई दरख्त होते हैं, टाली वगैरह होती है, कि अगर हम इनको गिनना चाहें ना तो हमारे दिल लग जाएंगे उनको, और फिर भी शायद गलती कर जाए। और ये सारे झड़ते हैं और फिर जमीन में गुल मिल जाते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं, तो साल हा साल तक यही कुछ होता रहता है। ये सब कुछ अल्लाह को पहले से पता था कि ये दरख्त फला जगह लगेगा और इस पर हर साल इतने पत्ते आएंगे, इस दरख्त की उम्र इतने साल है। हमें नहीं पता होता कब ये दरख्त जल जाए, खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह को पता है। ऐसे ही इंसानों के बारे में हमें नहीं पता होता कब किस दिन किसकी मौत का वक्त लिखा है और वो आ जाए, लेकिन अल्लाह को पता होता है। तो ये अल्लाह ताला का इल्म है। और यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, वो आगे पीछे नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ आमाल जो है इंसान की जिंदगी में बरकत पैदा करते हैं और थोड़े वक्त में इंसान बहुत कुछ करके चला जाता है इस दुनिया से, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए, नंबर एक ये कि हम यहाँ हमेशा रह नहीं सकते इस दुनिया में, हमें यहाँ से जाना ही जाना है, यानी हम में से हर एक पर मौत आनी है। और दूसरी बात यह है कि मौत के बाद अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। तुम इलाही ही मर्जियोकुम, यानी तुम्हारा इस दुनिया में अपनी जिंदगी के पूरा हो जाने के बाद अकेले अल्लाह की तरफ लौट जाना है। ठीक है, लौट जाना है, फिर क्या होगा? तुम युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बताएगा, बिमा कुंतुम तअमलून, जो कुछ तुम करते रहे। हम में से हर एक को सोचना चाहिए वो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ, क्या वो जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक है या अल्लाह ताला की नाराजगी के मुताबिक। हम बाज़ औक़ात बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उससे हमारे दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि ये हम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं वो काम, हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, हमारे नफ्स के मुताबिक होते हैं, हमारा पैशन होते हैं, वो इसलिए हम कर रहे होते हैं। लेकिन हम में से हर एक को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है और उसका बदला वो किस से चाहता है। ثم ينبئكم بما كنتم تعملون, अब ये जो बताया जाएगा ना, तो इससे पता चलता है कि हम में से हर एक अपना नामा अमाल देखेगा,
और जब देखेगा तो पुकार उठेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया है कि इसने ना कोई छोटी बात छोड़ी है ना कोई बड़ी, मगर उसको गिन गिन के लिख लिया, शुमार कर लिया है। मसलन अगर एक इंसान को झूठ बोलने की आदत है और वो जिंदगी में 1000 झूठ बोलता है तो सिर्फ झूठ नहीं लिखे होंगे बल्कि झूठों की तादाद भी लिखी हुई होगी, कितने 1000 झूठ बोले इस शख्स ने। और इसी तरह बाकी अमाल भी, इतनी रकतें इसने पढ़ी, इतने कुरान के हर्फ पढ़े, क्योंकि हर हर्फ में 10 नेकियां मिलने वाली हैं, तो वो हुरूफ भी गिने हुए होंगे। एक एक जर्रा जो है उसका बदला है। कुरान मजीद में आता है इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन व इन तक हसनतन युदाइफहा व युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। अल्लाह किसी जान पर एक जर्रे जितना भी जुल्म नहीं करता, एक डॉट जितना भी, डॉट भी बड़ा होता है, जर्रा उससे भी छोटा होता है। और अगर वो जर्रा नेकी का हो तो उसको वो कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है और अपने पास से अजर अजीम अता करता है। ये है हमारा रब अल्लाह अर रहमान, कि जो हमारी नेकियों की इस कदर कदरदानी करता है कि बड़े अमाल तो अपनी जगह लेकर छोटा सा अमल भी वो कबूल करता है, वो छोटे से अमल से भी राजी हो जाता है। और अगर खुलूस का जर्रे जितना अमल भी हो तो उसको भी अल्लाह सुभान व तआला बेहतरीन अजर से नवाजेगा। वह युति मिल लदुन हुआ जरा नजीमा, यानी अल्लाह के पास तो बहुत कुछ है, उसके खजाने तो बहुत वसी है, लिहाजा वो अपने पास से इंसान को अजर अजीम अता करेगा। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की रहमत है। हलाल कमाई में से एक लुकमा जो इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह सुभान व तआला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल करता है, दाएं हाथ में लेता है, फिर उसको बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, हत्ता कि एक लुकमा उहद पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है। आप में से किसी ने उहद पहाड़ देखा होगा, तकरीबन 12 मील तक उसकी रेंज है और बहुत हैवी किस्म का पहाड़ है, भारी किस्म का। सिर्फ एक मोरसल, एक लुकमा जो आप किसी को खिला देते हैं, बस शर्त यह है कि अल्लाह की खातिर खिलाए और शर्त यह है कि हलाल कमाई में से हो, क्योंकि इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिब। अल्लाह ताला पाक है और वो पाक चीज के अलावा कबूल ही नहीं करता, यानी हराम माल को वो कबूल नहीं करता, मशकूक माल को वो कबूल नहीं करता, पाकीजा माल ही को कबूल करता है जो इंसान मेहनत से कमाता है और फिर मेहनत से अपने दिल लगा के उसको खर्च करता है, अपने दिल की खुशी से उसको आगे देता है। और फिर सहीफों में तो एक एक चीज लिखी हुई है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, और हर छोटी बड़ी बात कुल्लू कबीरन व सगीरन मुस्ततर, और छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज सतरों में लिखी हुई है। मुस्ततर, सतर कहते हैं ना लाइन को, यानी तहरीर शुदा है, रिकॉर्डेड है, लिखी हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-मुजादला में अहसाहुल्लाहु व नसूहु, अल्लाह ने उन्हें गिन गिन कर रखा है जबकि वो उसे भूल चुके हैं। इंसान अपने अमाल करके भूल जाता है, जबान से बातें निकाल के भूल जाता है, अपने रवैयों को फरामोश कर देता है, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला उसको नहीं भूलता। वहुव अल-क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही, और वो अपने बंदों के ऊपर गालिब है, काहिर है। इमाम राजी कहते हैं इस कहर के कई माने हैं। एक माना है कि अल्लाह ताला इस तरह गालिब है कि एक चीज को अदम से वजूद में ले आता है, यानी ही मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, तो अदम से वजूद में लाने वाला सिर्फ वो है। हम इंसान जो कुछ बनाते हैं वो अल्लाह के बनाए हुए चीजों को मोल्ड करते रहते हैं, उसी को ढालते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में उनको बना लेते हैं, अपने पास से कुछ नहीं कर सकते, ये कोई चीज सिरे से है ही नहीं और हम उसको ईजाद कर लें। दूसरा यह है कि जो चीजें मौजूद हैं उनको वो फना करने पर भी गालिब है, यानी नहीं तो बनाने पे कादिर है और है तो उसको मलियामेट करने पर भी कादिर है। और फिर तीसरी चीज ये है कि मुतजाद चीजों को पैदा करता है, यानी रात और दिन और इसी तरह बहुत सारी चीजें। और चौथी बात यह है कि वो अपने फैसलों को नाफिज करने पर कादिर है, यानी जो उसने डिसाइड किया हो वो उसको कर लेता है। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, उसको सिर्फ कुन कहने की जरूरत होती है। चार चीजों को उसने अपने हाथ से बनाया, बाकी सब कुन कह के बनाया। वो चार चीजें कौन सी हैं? कलम, आदम अलैहिस्सलाम, जन्नत अदन और अर्शे इलाही, और बाकी चीजें कुन कह के। इन चार चीजों को अल्लाह ने बड़ी इज्जत बख्शी है, कलम को इज्जत दी है, अर्श को इज्जत दी है, आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत दी है और जन्नत आदन को इज्जत दी है। फिर फरमाया वो युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, वो तुम पर निगरान भेजता है, यानी फरिश्ते। हिफाजत के फरिश्तों की दो किस्में हैं। एक वो हैं जो हमारे जिस्म की हिफाजत पर मामूर हैं, बदन की हिफाजत करते हैं और उसको घेरे हुए होते हैं, उससे शैतान की तकलीफों को दूर करते हैं। सूरत अर्राद में आता है लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैही व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहू मिन अम्रिल्लाह,
उसके लिए उसके सामने से और उसके पीछे से पहरेदार मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। यहफजूनहू मिन अम्रिल्लाह, यानी मिन अम्रिल्लाह से मुराद भी अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ। दूसरे वो फरिश्ते हैं जो इंसान के आमाल की हिफाजत पर मामूर हैं, यानी जो एक एक हरकत और एक एक काम पर निगाह रखते हैं और हर हर एक्शन, हर हर चीज का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम यहसबून अन्ना ला नस्मा सिरहुम व नजवाहुम बला व रुसुलना लदैहिम यक्तुबून। क्या वो समझते हैं कि हम इनके राज और इनकी सरगोशियां नहीं सुनते, यानी ये जो छुप छुप के बातें करते हैं हमें नहीं पता? क्यों नहीं, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनके पास ही लिखते रहते हैं। हम समझते कोई नहीं सुन रहा, हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, ऊपर नीचे देख, कोई नहीं, अब बात कर लो। नहीं, फरिश्ते तो कहीं नहीं जाते, वो तो उधर ही बैठे होते हैं। आप शुरू करते हैं लिख के या बोल के या विस्पर करके, वो साथ ही लिखना शुरू कर देते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। लिहाजा इंसान कहीं भी महफूज नहीं है कि वो कहीं छुप जाए या अल्लाह से भाग जाए। भाग के दिखाए नहीं भाग सकते, जाना तो उसी के पास है। कोई मौत से नहीं भाग सकता, कोई अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होने से नहीं भाग सकता। जो भागेगा उसको पकड़ कर अल्लाह के हुजूर हाजिर कर दिया जाएगा। और इन फरिश्तों को हाफिजीन भी कहा गया है, वह इन्ना अलैकुम लहाफिजीना किरामन कातिबीना यालमून मा तफअलून। और बेशक तुम पर यकीनन निगरान मुकर्रर हैं, जो मुअज्जज लिखने वाले हैं, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो, उनको सब पता है, तुम्हारे खुले छुपे हर चीज का उन्हें इल्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए नामा आमाल क्यों लिखवाया है, यानी अल्लाह ताला को अगर खुद ही पता है तो फिर फरिश्तों से क्यों लिखवाया है? इसमें बंदों के लिए शफकत और नरमी है, क्योंकि जब उनको पता होगा कि अल्लाह ताला खुद निगरानी कर रहा है और फिर ये कि फरिश्ते भी लिख रहे हैं और उनका नामा आमाल तैयार कर रहे हैं और ये नामा आमाल क़यामत के दिन सब लोगों के सामने उन्हें पेश किया जाएगा, या दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पहले से बता दिया गया है और इस तरह वो अपने उस नामा आमाल की हिफाजत करते हैं कि ये सब के सामने आ जाएगा तो इसकी बहुत सख्त शर्मिंदगी होगी, तो मुझे अपने जाहिर और बातिन को एक कर लेना चाहिए। ये नहीं कि मेरे दो रूप हों, डबल फेस हो, मैं लोगों के सामने कुछ हूँ, मैं तन्हाई में कुछ हूँ, मैं अपनों में कुछ और हूँ और किसी और के सामने और हूँ, अपने घर में कुछ और हूँ और बाहर कुछ और हूँ। नहीं, इंसान इंसान ही रहे और लोगों से ज्यादा अपने रब से डरने वाला हो। फिर फरमाया, हत्ता इजा जा अहदकुमुल मौत तवफ्फतु रुसुलना, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे फरिश्ते जो इस सिलसिले में मुकर्रर हैं वो उसको पूरा पूरा ले लेते हैं। यानी ये जो किरामन कातिबीन हैं, ये जिंदगी की मुद्दत खत्म होने तक बस हिफाजत करते हैं, और जब मुद्दत खत्म हो जाती है तो दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं, ड्यूटी चेंज हो जाती है, ये फरिश्ते चले जाते हैं हमेशा के लिए वापस। और वो फरिश्ते आते हैं जिन्हें इंसान को फौत करने का काम दिया गया, वो फौरन हाजिर हो जाते हैं और इनका सरदार मलकुल मौत कहलाता है। जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते दूर तक हद्द निगाह और नजर आने लगते हैं इंसान को। आपने देखा होगा कि कई मरीज ये भी कहते हैं कि बहुत लोग आ गए हैं, जगह बनाओ, खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, पीछे हट जाओ, जगह बनाओ। ये अक्सर सुनने को मिलता है, यानी मरने वाला इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो मोमिन की रूह जब फरिश्ते लेने आते हैं तो हद निगाह तक फरिश्ते, और वो नूरानी चेहरों वाले होते हैं, खूबसूरत फरिश्ते होते हैं, जिसकी वजह से मैयत को एक इत्मीनान हो जाता है। फिर मलकुल मौत आते हैं और वो फरिश्तों के सरदार हैं जो मौत का काम करते हैं, और वो उसके सरहाने के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, या अयतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिकि राधियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नति अय्युहर रूहुत तय्यिब उखरुजी मिन जसदिन तय्यिब। ए पाक रूह, पाकीजा जिस्म से बाहर आ जाओ। और वो रूह उनके कहने पर ऐसे बाहर आ जाती है जैसे पानी का कतरा किसी बोतल में से बाहर निकल जाए, आसानी के साथ, क्योंकि उसको रब की मुलाकात की बशारत मिल चुकी होती है कि रब राजी है तुमसे। तो वो खुश हो जाती है कि अब आगे मुश्किल नहीं है, अब जाना चाहिए। फिर उसको दुनिया से ज्यादा आखिरत की मोहब्बत लग जाती है। तो ऐसे बंदे से अल्लाह ताला भी मिलना चाहता है जो अल्लाह की मुलाकात की ख्वाहिश रखता हो। इब्न अब्बास कहते हैं कि बहुत से फरिश्ते मलकुल मौत के मुआविन हैं, लिहाजा जो ही रूह निकलती है तो मलकुल मौत रूह निकाल के लेके फौरन फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। फिर वो जो नेक शख्स होता है उसके लिए जन्नत से कफन आता है, रूह के लिए अलग कफन होता है, और जन्नत की खुशबू हनूत भी लाते हैं, उसका नाम हनूत है, हानून वाव तोय। तो वो उस
खुशबूदार कफन में उसकी रूह लपेटते हैं और उसको ले जाते हैं फौरन, यानी फरिश्ते उसको लेके आगे चल पड़ते आसमानों की तरफ जाते हैं। जहां जहां से फरिश्ते गुजरते हैं उस रूह को लेकर, तो फरिश्तों का कोई भी ग्रोह जो रास्ते में नजर आता है वो पूछता है कि ये कौन पाकीजा रूह है, यानी उसकी खुशबू की वजह से और उसके एहतराम की वजह से। तो पता चलता है कि ये तो फला जो दुनिया में उसका सबसे अच्छा नाम था, इज्जत से जिस नाम से उसको बुलाया जाता था, उस नाम के साथ बताया जाता है कि फला की रूह जा रही है। हत्ता कि वो पहले आसमान तक पहुंचती है, फिर वो दरवाजा खटखटाते हैं, फिर वो पूछते हैं कि कौन है, तो बताया जाता है कि फलां की रूह है, फिर उस दरवाजा खोल दिया जाता है और करते करते इस तरह सातवें आसमान पे पहुंच जाती है, इल्लीहीन में, आला इल्लीहीन में पहुंच जाती है। तो बहरहाल दुनिया में जिस्म को नहलाया धुलाया जाता है और फिर कब्र में लिटाया जाता है और फिर उसकी रूह वापस आती है उसके जिस्म में और फिर हिसाब किताब होता है। वह हम लाई फर्रेतून, और वो रूह निकालने में कोई कमी नहीं करते, यानी वक्त मुकर्रर से पहले नहीं जाते और मौत का वक्त पूरा होने के बाद ताखीर नहीं करते, यानी अपनी ड्यूटी परफेक्टली अंजाम देते हैं, कोई कोताही नहीं करते, ना पहले जाते ना लेट जाते, एन टाइम पर। और फिर ये भी माना किया गया है कि रूह को उसके मकाम तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। अगर वो आला इलियन से ताल्लुक रखता है तो वहां ले जाते हैं उसको, और अगर कोई बुरा इंसान है, बदकार इंसान है, तो उसको सिज्जीन में भी ले जाते हैं, क्योंकि आसमान के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खुलते ही नहीं, और उनको पटखा मारा जाता है और सिज्जीन में उनकी रूह जाती है, और सिज्जीन एक कैद खाना है। सिज्जीन के बारे में आमतौर पर लोगों के अंदर गलत फहमी पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं कि उलमा जो है सिज्जीन के दो माने करते हैं, एक तो वो जो कुरान मजीद में आता है कल्ला इन्ना किताब अल अबरारी लफी इल्लीयीन, और फिर इसी तरह लफी सिज्जीन, जो बुरे लोगों का नाम है अमाल। इसका माना क्या है कि फुज्जार के बरक्स नेक लोगों की किताब या नामा अमाल जो है वो इल्लीयीन में रखा जाता है। قال الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعب ابن عباس نے کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وانا حاضر اور میں اس وقت وہاں خود موجود تھا ان سجین سجین کے بارے میں قال هي الارض السابعه کہ یہ ساتویں زمین ہے وفيها ارواح الكفار اور اس میں کفار کی روحیں ہوتی ہیں وسأله عن الیین اور ان سے الیین کے بارے میں بھی پوچھا فقال هي السماء السابعه تو انہوں نے کہا کہ یہ ساتواں آسمان ہے وفيها ارواح المؤمنین اور اس میں مومنوں کی روحیں ہیں وهكذا قال غير واحد ان السماء السابعه کہ وہ ساتویں آسمان میں ہے یعنی الیین کہاں ہے ساتویں آسمان میں اور وہاں الیین ایک طرح سے سمجھ جنت ہی ہے اب وہاں پر پہنچ کر ثم ردوا الى الله مولاهم الحق پھر وہ اپنے حقیقی مولا سچے مولا اصل مولا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کیوں تاکہ ان کا حساب لیا جائے تاکہ وہ قیامت کے دن جزا سزا پا سکیں مولا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو لوگوں کے سارے امور اور معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی جو گھر والوں کو ان کے کاموں میں اسسٹ کر رہا ہوتا ہے تو حقیقی مولا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين خبردار حکم اسی کے لیے ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے یعنی ساری مخلوق کو یک بارگی اٹھا کے سب سے اکٹھا حساب بھی لے سکتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں پھر یہ کہ سونا اور جاگنا اللہ کی بنائی ہوئی آخرت کی یاد دلاتا ہے اور یہ یاد آنی چاہیے پھر یہ کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے موت کو یاد رکھنا چاہیے ہر نماز میں اپنی موت کو یاد رکھیں اس سے نماز میں خشوع و خضوع آئے گا پھر موت کی حقیقت پہچاننے کے لیے دوسری مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں اور کسی کی موت کی خبر سن کے اپنی موت کے بارے میں ضرور سوچیں یہ نہ سوچیں کہ ہمارا تو اس سے تعلق کوئی نہیں وہ تو دوسرا خاندان ہے اور اس کو کووڈ 19 کی ویکسین سوٹ نہیں کی لہٰذا اس پر تو یہ مسئلہ ہو گیا اور ایسے فوت ہو گیا تو ہماری تو ابھی نہیں باری نہیں کسی کو نہیں پتا کون لائن کے کس نمبر پر ہے اور پھر یہ ہے کہ موت کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھے کام کرنا چاہیے تاکہ موت کے وقت جو ہماری زندگی ہے وہ خوبصورت ہو
क्योंकि हर एक ने मरना है, मौत का फरिश्ता भी मुकर्रर है, मौत से फरार मुमकिन नहीं, मौत से कोई भी बचने वाला नहीं। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बच जाऊंगा, बोला मैंने दवाई इजाद कर लिया और वो खा लूंगा और कभी मौत नहीं आएगी मुझ पर, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये कि मौत का वक्त और जगह भी मुकर्रर है। फिर ये भी याद रखना चाहिए कि मौत की सख्तियां भी हैं। कल्ला इजा बलगत तराकिया वकील मन राक वजन अन्नहु अलफिराक वल्तफत अस्साक बिस्साक। हरगिज नहीं वो वक्त याद करो जब जान हंसलियों तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा है कोई दम करने वाला, दम झाड़ करने वाला, और वो यकीन कर लेगा कि यकीनन जुदाई का वक्त आ गया है, पिंडली पिंडली के साथ लिपट जाएगी, उस दिन तेरे रब ही की तरफ रवानगी का वक्त है। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मौत की शिद्दत महसूस हुई थी। अब यह है कि अगर कोई अपने करीबी लोगों में से फौत हो जाए तो क्या करना चाहिए? खबर सुनते ही पहले अल्फाज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने चाहिए। फिर उस शख्स के लिए दुआ करनी चाहिए, लवाहिकीन के लिए दुआ करनी चाहिए, जबान से रब को राजी करने वाले कलमात ही कहने चाहिए। यानी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। अल्लाह की नाराजगी के जुमले नहीं बोलते, अल्लाह सुभानहू ताला की तारीफ करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। हदीस में आता है कि सदमे की पहली चोट पर सब्र करना, यानी असल सब्र क्या है? जब चोट लगे तो उस वक्त सब्र करे इंसान, यानी कि पहले रोना धोना मचा ले, चीख चिल्ला ले, फिर बाद में कहे मैंने अब सब्र कर लिया, वो तो भाई सबको ही आ जाता है। ये याद रखना चाहिए कि सब्र करने से अजर मिल जाएगा। इन्नमा युवफ्फस साबिरून अजरहुम बिगैरी हिसाब। और बेसब्री करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि अगर बेसब्री में अल्लाह ताला की नाराजगी के कलिमात मुंह से निकल गए तो उल्टा शामत आ जाएगी। फिर ये कि एक दूसरे को सब्र की तलकीन करनी चाहिए, गम के मौके पे जजा फजा नहीं करनी चाहिए, नहा नहीं करना चाहिए। फिर मैयत के पास खैर वाले कलिमात बोलें, उसकी खूबियों का जिक्र करें, उसकी अच्छी सिफात का जिक्र करें, क्योंकि वो उसके हक में लिखे जाते हैं, और अगर उसके बारे में बुरी बातें की जाए तो वो भी लिखी जाती हैं।